आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल और खबरें ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक जो स्टार किसान आंदोलन के दौरान एक बच्चा जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, जिन्होंने कई अपने जो भाषण दिए गए किसानी आंदोलन को लेके सरकार के खिलाफ और किसानी आंदोलन को मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया था उन्होंने। आज वो बच्चा हमारे साथ हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। पहले तो कि पार्टी ज्वाइन करने का कारण क्या है, पहले तो बेटा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिजोत सिंह है सर, नमस्कार। अभिजोत जी, आज आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कारण है कि आपने आज आम आदमी ही पार्टी ज्वाइन की, कोई अन्य पार्टी नहीं? सर, मैंने आज आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी है क्योंकि जब हम दिल्ली की तरफ गए थे, खोज करी थी, तो केजरीवाल सर ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मना करा था कि हमने अपनी अपने स्टेडियम को जेल नहीं बनानी। नरेंद्र मोदी सर ने इतना कुछ इनको दबाने की कोशिश करी कि तुम ये काम करो, इन्होंने मना करा कि मैंने वो काम नहीं करने, इन्होंने किसानों के लिए हक के लिए सबसे पहले काम करे। अब अगर इनकी बात करें हम, तो ये सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर गए थे, तो अरविंद केजरीवाल थे, कोई नेता में से अभी तक कोई नेता नहीं गया था सिंघू बॉर्डर पर जब ये अरविंद केजरीवाल चल गए थे। उनको स्टेज पर बोलने से मना करे, इन्होंने बोला नहीं तो लोग कहते हैं प्रेशराइज करते कि हमको तो बोलना बोलना, इन्होंने कह दिया चलो अगर आपने नहीं देना बोलने का मौका, कोई नहीं नहीं दिया। तो अगर हम भगवंत मान जी जिनको सीएम बनाना है हमने पंजाब का, इनको मौका दिया जाए, ये देख लो सर अगर एक बार कोई एमएलए बन जाए ना सर, वो चार पांच घर खरीद लेता है, अगर हार भी जाता है वो खरीद लेता है। भगवंत मान जी ऐसे हैं जो उनसे अभी भी किराए के घर पे रहते हैं। तो एक और बताइए बेटा, जैसे कि आपने किसानी आंदोलन देखा, सबको देखा, सारी पार्टियाँ आपने छोड़ के सिर्फ आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो आप पहले तो आप अपना रिहाइश बताइएगा, कहाँ रखी है? सर, मेरी रिहाइश 11 फेस मोहाली की है। तो यानी कि 11 फेस मोहाली हैं, तो आप जैसे कि यहाँ के आम आदमी पार्टी का जो लीडर हैं, जो कुलवंत जी हैं, तो कुलवंत जी के बारे में आप पहले जानते हैं कुछ? सर, कुलवंत सिंह जी को कौन नहीं जानता, पहले इनकी सर JLPL 82 सेक्टर सारा इनका है, इनको तो सारे लोग जानते हैं जी। कुलवंत सिंह जी को साबका मेयर रह चुके हैं मोहाली के, तो जहाँ तक साबका मेयर रह चुके हैं, अगर हम आपसे बात करें तो साबका मेयर रहते हुए इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर देखो, अभी चंडीगढ़ में LED लाइट्स नहीं लगी थी, पंजाब मोहाली में लगी थी, ये सबसे बड़ी है। जब इन्होंने था तो इन्होंने आम आदमी बन के सबकी हेल्प करी है कि जो घर पे जाते थे कि मेरे को बताओ आपकी क्या चिंता, आपकी क्या है। तो बेटा एक और बताइएगा, जब आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो जैसे आप किसानी आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो जो किसानी आंदोलन के जो नेता थे उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार का सहयोग या किसी प्रकार का ऑफर वगैरह नहीं आया कभी? सर, उन्होंने तो मेरे को फ़ोन भी करता कि तू हमारी पार्टी के साथ था। सर, मैं खुद नहीं गया उनकी पार्टी के साथ। तो क्या कारण है कि संयुक्त मोर्चे के, मतलब जो उनकी पार्टी है संयुक्त समाज मोर्चे के नाम से उन्होंने कैंडिडेट भी उतारे, उनके साथ ना खड़े होने का मुख्य कारण क्या है? सर, मेरा मुख्य कारण ये है सर, देखो 32 जथेबंदियाँ थी पंजाब की जी, ठीक है, 22 जथेबंदियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, इनमें से 10 जथेबंदियाँ कट होगी, ठीक है जी। जौन सी 22 जथेबंदियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका खुद का यही नहीं, वो भी मजबूरी में लड़ रही है, उनकी लड़ाइयाँ इतनी हैं, वो मजबूरी में लड़ रहे हैं, तो फिर उनका आपसी में मतभेद है। ऐसे तो रकेश कैद जी भी अपनी पार्टी खड़ी कर लेते, किसान प्रोटेस्ट था जो, वो नॉन पॉलिटिकल था, ठीक है। तो देखो, इन्होंने बताया कि जो किसान आंदोलन के साथ अगर ये जुड़े थे, तो किसान आंदोलन एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था और नॉन पॉलिटिकल उनका जो मुद्दे थे, उनका जो उनके रूल्स रेगुलेशन से नॉन पॉलिटिकल थे, लेकिन आज ये आज पॉलिटिकल पार्टी में ये खुद आ गए हैं। ये बेटा सर, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में आया नहीं आया, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हाँ, आम आदमी पार्टी का एक मुझे बताइएगा कि आम आदमी पार्टी के जो, जैसे कि हम केजरीवाल जी की बात करते हैं जो उनके मुखिया है, तो ऐसी कौन सी नीति आपको प्रभावित की कि आपने आम आदमी पार्टी? सर देखो, जैसे कि मेरे लिए एजुकेशन बहुत प्रभावित है, मेरे को चाहिए एजुकेशन चाहिए, तो सर जो हम अगर हम दिल्ली एंट्री करें ना, इतने अच्छे सरकारी स्कूल है ना कि दिल करते कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े, कि प्राइवेट स्कूल में जो हम 7,000 रुपये महीने की फीस देते हैं ना, हमारा अगर एक बार केजरीवाल भगवंत मान जी सीएम बन जाए ना पंजाब के, हम सारे ठीक करेंगे। केजरीवाल जी की 5 गारंटियाँ मैं बता रहा हूँ, महिला को हर साल 1,000 रुपया आया करेगा, 300 यूनिट तक बिजली फ्री होया करेगी और 24 घंटे बिजली मुफ्त सिक्ख्या होया करेगी जब बच्चा जमता है। और सर पहली मेन थिंग है हॉस्पिटल, 80 लाख का हो चाहे
ऑपरेशन हो चाहे 10 लाख का हो, सारा फ्री होएगा सर। इतनी अच्छी बात है कि सर कि दिल्ली के हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं सर। मोहाली के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जो से बलबीर सिद्धू जी हैं सर, हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं सर। देखो हम अभी मोहाली में खड़े हैं सर, उन्होंने कोई काम नहीं करा। फेज 6 का एक ही हॉस्पिटल था, मेरे दादा जी को कोविड हो गया था, वो हाथ जोड़ने लग गए थे कि मेरे को यहाँ पे मत एडमिट कराओगी, मैं यहाँ पे मेरी डेथ हो सकती है, मेरे को घर ले जो। तो ये आपने सुना, ये छोटे से बच्चे ने भी बताया कि अगर हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, किसी पार्टी की हम निकेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक बच्चे की बात माने तो कई जो पहले अपने सरकार में रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद विकास कार्य की अगर बात, इस बच्चे ने जो पोल खोली है हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो विकास कार्य इनके हिसाब से अगर माने तो 0 माना जा रहा है। कैमरामैन प्रयांश के साथ परवेश परण।